أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم सबसे तो पहले मैं उन मोहम्मद सर और उसके बाहर से आए हुए मेहमान दिल की अता के रायों से खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह ने क्या बनाई है सूरत ही मोहम्मद की, अल्लाह ने क्या बनाई है सूरत ही मोहम्मद की, हुआ वो आशिक जिसने देख ली सूरत मोहम्मद की, कमाल हसन हुसैन यूसुफ पर ये खुतबा ज़ुलेखा थे, खुदा खुद ये जिस पे आशिक है वो सूरत ही मोहम्मद की। आज मेरा तकरीर का उनवान है कुरान पसंद। हदीस पाक में आता है दुनिया बनाने से 70,000 साल पहले जब अल्लाह ने इसे खुद तिलावत किया तो उस वक़्त के इंसान नहीं था, सुनने वाले अल्लाह के फरिश्ते थे, पढ़ने वाले अल्लाह थे। ये झूम गए और कहने लगे या अल्लाह कितना खुशकिस्मत इंसान होगा जो इसको पढ़े और अपने सीने में महफूज करेगा। सबसे पहले इसे अल्लाह ने खुद तिलावत किया, इसे कलाम इलाही कहते हैं। याद रखना कुरान वही मतलब है जो अल्लाह के पैगम्बर के सीने में उतरे है, इसे वही अगर मतलब कहते हैं। हाँ हाँ अगर यूँ कहो तो हद ना होगा, अल्लाह बोले कुरान बनता है, नबी बोले हदीस बनता है, पैगंबर का उठना जमना खाना पीना सनद बनता है, पर आप जैसे सुन पर अमल करें जैसे वाहिय सन कहा जाता है। कुरान करीम आसमानों की किताबों में से एक अहम किताब है, अल्लाह ने लिख कर दिया, इसके तिलावत करने वाले अल्लाह के सीने में है। रब तिलावत करते थे जिनाबे जिब्राइल सुनते थे, जिनाबे जिब्राइल तिलावत करते थे, पैगंबरी वाले मोहम्मद सुनते थे, अब पैगंबरी वाले मोहम्मद करते हैं। तो आगे सिर्फ सुनना नहीं अब मेरा नबी तिलावत करता चला जा रहा है, खुदा ने अपने नबी को रमजान मुबारक में नहीं पैदा किया ताकि लोग ये ना कहे रमजान मुबारक की वजह से नबी को फजीलत मिली है। ला अक्सिमु बिहाज़ल बलद, ए अल्लाह मेरे मक्का के शहर की कसम ना उठा, तेरा घर काबा में मौजूद है इसलिए उठाता है, और बात का मैदान मौजूद है इसलिए उठाता है, मकाम इब्राहिम है इसलिए उठाता है, मकाम नबी है इसलिए उठाता है, अब जमजम है इसलिए उठाता है। खुदा ने कह दिया, खुदा ने कह दिया काबा तो पहले बीता, अरफात का मैदान तो पहले बीता, सफर मरवा की पहाड़ी तो पहले बीता, मकाम इब्राहिम तो पहले बीता, मकाम नबी तो पहले बीता, अभी जमजम तो पहले बीता। मैंने किसी शहर में कसम नहीं उठाई, इंजील में नहीं उठाई, सबूर में नहीं उठाई, तो रात में नहीं उठाई, सहीफा में नहीं उठाई, अब क्यों उठाता हूँ। फअंता अहलुम बिहाज़ल बलद, कि तेरे बात वाले मुबारक नूरा ने कदमों की तरह मक्का के पत्थर फिलक चुकी है, नारा लगाना चाहता हूँ लेकिन मुझे नारे का जवाब चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आवाज नहीं आई, पाकिस्तान जिंदाबाद। जरा तो आकर देखो बाबरी कॉलेज, जरा तो आकर देखो बाबरी कॉलेज, नहीं आप लोगों का, जरा तो आकर देखो बाबरी।